हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हरदेश फ्रॉम द वेसर कंसल्टेंट्स। सानू काफ़ी कॉल्स आ रही ने कि सर असी एड्स देख रहे हैं कि कैनेडा का वीज़ा विदाउट आइल्स मिल रहा है, कि ये शुरू हो गया है? मैं बच्चों ना शेयर करना चाहता हाँ कि कैनेडा विच विदाउट आइल्स कोई वीज़ा शुरू नहीं होया है, रादर कोई चेंज ही नहीं हुई है। जो पहला वाले कानून सन उही कानून हुण लागू ने। पहला भी विदाउट आइल्स वीज़ा जरा सक्सैस रेट बहुत लो सी, लैस दैन 5% से रादर, ये भी मैं ज़्यादा बोल गया हाँ, हूँ भी सेम है। कुछ एड्स आ रही ने, मैं देख रहा हाँ कि बिना कोई कैनेडा ने वीज़े ईजी करते, उत्थे करोना करके पैसे की लोड़ है, तो इस करके वो बच्चों बुला रहे हैं, पर इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक बच्चे की कॉल आई कि सर जी, मैंने एक कंसल्टेंट ने एम्बैसी की वैबसाइट पर भी दिखाया कि देखो जे बच्चे का आइट्स तो बगैर ऐ यूनिवर्सिटी एक्सैप्ट कर रही है, बच्चे आइट्स तो बगैर ना लिखा कि आइट्स की लोड़ नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन एम्बैसी की वैबसाइट पर अज तो 2 साल पहला भी सी, 5 साल पहला भी सी, अज भी है, और 2 साल पहला भी 5 साल पहला भी विदाउट आइट्स वीज़ा का सक्सैस रेट बहुत घट सी, हूँ भी सक्सैस रेट नहीं है। सो मैं बच्चों को हदायत दिना हाँ कि जेडे बच्चे भी विदाउट आइट्स कैनेडा अपलाई करना चाहते हैं, वो देख लैन कि रिस्क बहुत ज़्यादा है, वीज़ा सक्सैस रेट बहुत घट है। कैनेडा एम्बैसी वालों इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, कोई भी कानून के चेंज नहीं की गई है कि विदाउट आइट्स जी फाइलों ने लग रही हैं या विदाउट आइट्स वीजे आ रहे हैं। आइट्स जरूर करो। दूसरा सानू सवाल पूछ रहे हैं कि ड्यूलिंगो या पीटी नाल वीज़ा भी मिल रहा है, उन्ना ही इक्वल है जिन्ना आइट्स वाला है? नहीं बेटा, मैं कैटेगराइज कर दिया, जे तुहाडे आइट्स विच 6 ईच ने, तुसी जिहड़ा फाइल है 1 साल की फीस दे के लगाउंदे हो इंटरेस्ट, यस तुहाडा वीज़ा सक्सैस रेट सब तो ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद तुहाडे 1 चो 5.5 बैंड ने, ओवरऑल 6 ने, साल की फीस दे रहे हो, स्टिल वीज़ा चांसिस आर क्वाइट गुड। 2 चो 5.5 ने, ओवरऑल 6 ने, कुछ कॉलेज ने, चंगे कॉलेज जो एक्सैप्ट करते हैं, फिर भी जो तुम बार बार ट्राई कर चुके हो तो बैंड स्कोर नहीं बढ़ रहा तो ट्राई कर सकते हो। पर ड्यूलिंगो के नाल एडमिशन मिल रही है, ड्यूलिंगो का वीज़ा का सक्सैस रेट की है, ये बारे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पी टी के नाल एडमिशन मिल रही है, पी टी का वीज़ा सक्सैस रेट आइट्स जिन्ना नहीं है, फिर काफ़ी हद तक फिर भी ठीक है। सो जिहड़े बच्चों ने आइट्स करना है या पी टी करना है या ड्यूलिंगो करना है, उन्होंने मेरी हदायत है, मेरी अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी सुजैशन है कि दे मस्ट गो फॉर आइल्स। एक बार दे लो, 2 बार दे लो, 3 बार दे लो, मेहनत चंगी कर लो, 6 ईच लो या 1 चो 5.5 लैके फाइल लाओ, तुहाडे पैसे खराब नहीं होणगे, तुहाडा समा खराब नहीं होएगा, तुहाडा भविख खराब नहीं होएगा। जे विदाउट आइट्स ही करना चाहते हो, यू कैन ट्राई यूके, जो थोड़ा एलिजिबल तुसी हैगे, यू कैन ट्राई जर्मनी, यू कैन ट्राई डेनमार्क, ये कंट्रीज़ ने जिन्हां दे विच असीं भी और बड़े सारे कंसल्टेंट्स ने बच्चों नूं विदाउट आइट्स वीजे लैके दिते ने। बट इफ आई टॉक अबाउट कैनेडा, आई विल से बिग नो फॉर विदाउट आइट्स कैनेडा, बिकॉज सक्सैस रेट इज वेरी लो, एक्सेप्ट फ्यू सेंट्रल बोर्ड्स, ICSE, CBSE है, और यूनिवर्सिटी बहुत टॉप रैंक की है, तो बच्चे का स्कोर जोड़ा है वो इंग्लिश 95% 90+ है, दैन इट्स रादर 80+ है, दैन इट्स गुड टू गो। अदरवाइज पंजाब बोर्ड का बच्चा है, 50% 55% सबसे नंबर है, वो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू गो विद दैट। थैंक यू वेरी मच।